तो अपन कोई काम करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं, अपन कोई काम करते हैं तो किस उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, प्रयोगशाला में दिए गए m/20 ठीक है, m/20 ऑक्सीजन का ये अपने पास रखा हुआ है, लगभग आधे लीटर रखा हुआ अपने, लड़की ऊपर ना रखा हुआ है और आप सकते पड़ेगी और बना देंगे, कैसे बनाएंगे, बुक प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। तो प्रयोगशाला में दिए गए m/20 ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता एवं सांद्रता, मोलरता एवं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताना, इसका मतलब क्या है, ग्राम प्रति लीटर माने हम क्या करेंगे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, क्या तुम्हारी अनुपस्थिति में एक लीटर इसमें हम ऑक्सीजन लेंगे किसी बर्तन में और उसमें हम तुमको नहीं बता कितने ग्राम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, हम उसको तोलेंगे मशीन से और उसमें मिलाएंगे, आपको पता नहीं हमको पता है, हमने जितनी भी मिलाई हो उसमें माने कि 5 ग्राम 10 ग्राम जितनी भी मिलाई हो, ठीक है 5 ग्राम मिलाई हो तो आप बताओ जो के बाद में इस प्रयोग के द्वारा कि सर ने इसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भुला, ठीक है। आवश्यक रासायनिक पदार्थ तो अपन को किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, m/20 ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की आवश्यकता पड़ेगी और अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की आवश्यकता पड़ेगी, दो चीजें हुई, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी अपन को इस प्रयोग के लिए, m/20 ऑक्सैलिक अम्ल और अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो परीक्षा में देखो क्या है, दिमाग में देखो रख सुंदर बना लो अच्छा बना लो कोई महत्व नहीं है, हर चीज दिमाग में होनी चाहिए, हमने चीज सिखाया है। तो आवश्यक रासायनिक पदार्थ आपने बता दिए, आवश्यक उपकरण देखो मैडम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आवश्यक उपकरण लिख दो, आप लिखेंगे कॉपी में लिखना पड़ेगा, ब्यूरेट स्टैंड हो गया, ब्यूरेट स्टैंड ब्यूरेट पकड़ लिया हो गया, नहीं है ठीक है ये अपना ब्यूरेट हो गया, कसा हुआ उसके नाम भी ब्यूरेट स्टैंड हो गया अपना, ठीक है ये हो गया अपना, ये क्या अपना प्रीपेड है, मैडम ने बता दीजिए कैसे इसका अपना उपयोग करेंगे, प्रीपेड है अपना, ये क्या है कॉनिकल ग्लास है, ठीक है और मैडम ने लगभग बता दिया आपको, लेकिन थोड़ा सा और बता दें आपको क्या करेंगे, तो अपन इसमें क्या करेंगे अपन अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें से डाउन सर डाउन ये नोजल है, क्या है नोजल, इसमें से बूंद बूंद टपकेगा, इसमें ब्रिलियंट टपकेगा, इसमें इसमें क्या करेंगे अपन m/20 ऑक्सीजन, ठीक है बोलेंगे अपन इसमें, तो इसमें क्या है इसका कलर कैसा रहेगा, अच्छा उसका कैसा कलर है m/20 मिलियन का, रंगीन है ना, अभी देखो उसमें हम ऐसी चीज मिलाएंगे कि इसका जो कलर है इसमें जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसमें मिलाओगे आपका कलर जो है गुलाबी हो जाएगा, लेकिन लाओगे तो फिर वो रंगीन हो जाएगा, यहां से एक बूंद आएगी इसमें और कलर आपका गुलाबी, लेकिन जैसे ही आप लाना शुरू करोगे फिर जैसा का तैसा रंगीन हो जाएगा, फिर बूंद टपकेगी इसमें तो कैसा गुलाबी, इसको लाओगे फिर रंगीन, अब लास्ट की एक बार ऐसा आएगा लास्ट अंतिम बिंदु ऐसा आएगा कि उस बूंद को टपकने के बाद इसको कितना भी लाओगे तो इसमें कलर जो आपको गुलाबी का गुलाबी, अब कितना विलयन यहां से यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, कितना विलयन आपका खत्म हो गया, तो अपन जी इसमें नाप लेंगे कितने ग्राम से स्थाई रहा, ठीक है। अपन रासायनिक समीकरण सीख लेते हैं तो हो गया आपका उपकरण है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यही उत्तर होगा तो निकाल पाओगे तुम, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो इसे बोलते हैं उदासीकरण की क्रिया और बनता है आपका लवण और जल, ये सबको पता है, तो लवण मान लीजिए एन है यहाँ जाएगा तो क्या हो गया C=N, ये आपका बन गया सोडियम ऑक्सीडेट, क्या बन गया सोडियम ऑक्सीडेट, अब ये ओ एच बची ये दो है, ठीक है तो यहाँ आपका H2 रह लेंगे, दो H2 रह लेंगे, ठीक है तो यहाँ पर देखो एक सोडियम था ये सब भाई साहब यहाँ दो सोडियम आ गया, दो सोडियम आ गया तो यहाँ पर दो लगा, मतलब ये हुआ ध्यान देना एक मोल ऑक्सैलिक अम्ल, एक मोल ऑक्सैलिक अम्ल दिया अपन ने
और 2 मोल क्या लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मोल धारक, इतना ध्यान रखोगे तो उसने निकाल एक मोल ऑक्सीजन का अम्ल, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है और सोडियम ऑक्सीडेट और जल बनता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सूचक क्या लेंगे, फिनॉल टू थेलीन, क्या लेंगे सूचक, अंतिम बिंदु क्या है, रंगहीन ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन स्थाई गुलाबी रह जाता है, स्थाई गुलाबी रह जाता है। ठीक है, ये अपन सीखेंगे, अपन ये बीच में हो गया तो फिर उसने बोला था कि ये अपना फ्लास्क है, क्या है सही बना दो, तो इसमें बीच में कर दीजिए। ठीक है, ये लिखा है बबुल का, लिखा ध्यान दें, ये तो है दुर्बल अम्ल, अगर प्रबल अम्ल होता तो इस नीचे आग लग जाती है, तो तेजाब होती ना आग लग जाती। क्या करना है, ये दोनों विलयन कैसे हैं, रंगीन है, कैसे हैं रंगीन है, रंगीन। इन्हें जो बोला है, इन्हें बोला है जिज्ञासा ने कि जो ऑक्सीजन विलयन जी है इसमें एक जो बूंद है नॉक्सिलिन की डाल दे, क्या लगा है इसकी बूंद में डाल दे, अब बांध बूंद डाल देते हैं, इसमें से क्या समझिए, चला गया गलत, चला गया चला गया। अब इनने क्या बता,
मतलब लास्ट की एक बूंद तक देखना, तुमने एकदम कर दिया, पता नहीं चला, अभी तो जा रहा है, देखना अब देखना लास्ट की एक बूंद देखना, बोलो क्या देखना है, चला गया जो चला गया, हाँ लास्ट की बूंद देखना आप लोग, चला गया अपन नापेंगे कि कितना खर्च हुआ अपना, ये बहुत कंडी पूरी हुई जी, जो चला गया पता नहीं चलेगा वो, एक एक भूसे करना है अभी तो जल्दी कर रहा है बंदर, ये एक एक भूसे करना था, सोचो वो कितने वो कैसा क्षण होगा कि मात्र एक बूंद पे कलर नहीं बदलेगा वो, एक बूंद पे अब एक बूंद पता नहीं चलेगा, इधर एक मोबाइल चल पास में ले आओ, चाल रहे अभी चला गया देखो, अब अपना आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब लास्ट बूंद अब आएगी शायद, आएगी लास्ट बूंद, अब लास्ट बूंद आएगी अपनी, ये मोबाइल लिया इधर ले आओ, इधर देखो कैसे भगी वाला वाला कोई रोड़ा नहीं, भगी वाला से नहीं रहा है, उल्टे तुमने कैमरा कर दिया, आपको भी रोड़ा इधर यहाँ करो, ये अभी नीचे करो, दूर से करो, ये दिख रहा है, दूसरी फ्लास्क भी देखिए, फ्लास्क दिख रहा है, तुम सच लगी है, तुम पकड़ लो मोबाइल, अब देखो लास्ट में जा रही कैसा जी, लास्ट में बस अब नहीं देखो, हो गया ऐसे ही लास्ट बूंद में ही आ रहा, अरे भी वो आया एक बूंद और देखते हैं ओनली, स्थाई देखो उसमें क्या लिखा था लास्ट में, स्थाई रंग अभी कुछ नहीं हुआ, इसको मिक्सी से भी लाते रहो कुछ नहीं हुआ, कलर इसका जाएगा नहीं, फ्लास्क में लाते रहते हैं, अंतिम बिंदु पर विलयन का रंग स्थाई, अंतिम बिंदु पर हल्का गुलाबी हो जाता है, यस सर, याद आपना कितना आया, 17 आया, ये 17 आया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप देखा कलाकार हो, ये देखा सकते हैं क्या तुमने, कर लिया ये कर लिया, ये 17 है, ये 16 है, ये 16 वो गलती से जाना हो गया, वो ये गलती से जाना तो और गुलाबी हो गया, तभी तो मिक्स कर मजा आ रहा,